नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम तरुण कुमार दुबे है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल बात खेतीबाड़ी की में हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एडवेंटा की भिंडी एडीवी 216 के बारे में। पिछले साल मैंने भी कुछ प्लॉट देखे थे, उसके आधार पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसी एडीवी 216 आती है, किस समय इसकी बुवाई करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, किस तरह से करनी चाहिए, क्या इसके फीचर है। तो ये मैं एडीवी 216 का पैकेट आपके लिए लेके आया हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का पैकेट आपको बाजार में मिलेगा। एडीवी 216 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, यहाँ वही पुराना जो एडवेंटा का लोगो आएगा लिखा हुआ, ये पीछे से आपको मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ एडीवी 216 की, तो बुवाई से लगभग 45 से 50 दिन लेती है रोपाई। जब बीज निकल आता है अंकुरण जमीन से, उस समय से 45-50 दिन देती है आपको पहला तोड़ देने में। इसमें किसान भाइयों, पहले चौड़े पत्ते आएंगे जब निकलेगी, उसके बाद में जब माल आना चालू हो जाएगा उससे पहले इसके चिरवा पत्ते आना चालू हो जाएंगे। और भिंडियों की तरह भी, जैसे एडवेंटा की भिंडी आती है राधिका नाव्या, इसमें भी OLCB और YBMB टॉलरेंस काफ़ी हैवी दिया है कंपनी ने, यानी कि आपके पत्ते मुड़ने वाली बीमारी OLCB और पीले पड़ने वाली बीमारी ना के बराबर आएगी। आएगी भी तो ये समझो आप बहुत कम देखने को मिलेगी इसमें, क्योंकि हाई टॉलरेंस इसमें दिया है। इसमें भिंडी से भिंडी की दूरी आपको कम मिलेगी, यानी आप जब भिंडी तोड़ते हो तो आपको भिंडी से भिंडी की दूरी बहुत कम मिलेगी देखने के लिए, तो आपको ज़्यादा उत्पादन देगी। आप देखोगे इसमें भिंडी में 216 में कि आपको हर पौधे में से 3 से 4 फुटान मिलेंगे, यानी आपको अगर 3 से 4 फुटान मिल रहे हैं तो आपको ज़्यादा उत्पादन दे सकती है ये वैरायटी। अगर मैं इसकी उत्पादन क्षमता की, जो मैंने पिछले वर्ष इसको देखा था, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं तो लगभग 1 एकड़ में से 400 से 500 किलो आप उत्पादन इसमें से भिंडी में से आप ले सकते हो। इस भिंडी की अलग खासियत मैंने क्या देखी, जैसे आप सभी राधिका नाव्या तो आप सभी जानते हैं पुरानी वैरायटी कंपनी की, ये जो एडीवी 216 वैरायटी, जो मैं अपना आपको अपनी फीलिंग बताऊं उसमें क्या है, ये वैरायटी जो राधिका है उससे इसका जो फ्रूट क्वालिटी है वो पतला है। यानी आपको राधिका जब आप शुरुआत के थोड़ा में तोड़ते हो तो हल्का सा मोटा आता है, इसका फल आपको राधिका की अपेक्षा में कुछ थोड़ा सा पतला दिखेगा देखने के लिए। उसके अलावा इसकी जो क्वालिटी है, हरापन है, वो भी बेटर है राधिका की अपेक्षा में, और लंबे समय तक इसको उत्पादन देने की क्षमता भी इसकी बहुत अच्छी है। यानी कि आप अभी से लगाते हो, किसी किसान भाई को लंबा चलाना है, दीपावली तक चलाना है, तो ये 216 वैरायटी बहुत बेस्ट है और उत्पादन क्षमता तो इसकी बहुत अच्छी है। और मेरा एक भिंडी लगाने वाले किसानों से एक सजेशन रहेगा कि जो भी भिंडी लगाते हैं आप कोशिश करो कि शुरुआती दिनों में उसको कम से कम पानी दो, फूल जब तक नहीं आए, फल जब तक चालू नहीं हो तो उसको सूखा सूखा के पानी दो। बरसात के समय पे क्या होता है, किसान पानी ज़्यादा देता है, उस समय से उसकी भिंडी का तोड़ाई आने में समय लगता है, 45-50 दिन लगते हैं, लेकिन किसान उसको 2-2 महीने 2.5-2.5 महीने तक उसका उत्पादन नहीं ले पाता। तो जब तक आपकी भिंडी अपना फूल दिखाना नहीं चालू करती, जब तक उसको पानी कम से कम दो, और आपको अगर लगता है कि मेरी भिंडी 45-50 दिन से ऊपर की हो गई है, तो आप नज़दीकी दुकान से जाके उनसे बोलो कि हमारी भिंडी बढ़वार पकड़ रही है। तो आप कोई भी एक दवाई आता है, बायर की आती हैं 2-1 दवाइयाँ, और कई कंपनियां देती हैं जो ग्रोथ को रोक देती हैं, आपके माल चालू कर देती है, तो वो वाली दवाई का आप स्प्रे कर सकते हो। जब आपको लगे कि 45-50 दिन से ऊपर हो गया, भिंडी में अभी लक्षण नहीं दिख रहे, फूल नहीं दिख रहे, तो आप ये छोटी मोटी दवाइयों का स्प्रे कर सकते हो। तो किसान भाइयों, यही कुल मिला के एडीवी 216 के बारे में कहानी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।